नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के विदिशा में जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन। विदिशा जिला न्यायालय में आज वर्ष 2021 की अंतिम लोक अदालत है और नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें अनेक प्रकार के प्रकरण आए, जैसे कि चेक बाउंस, विद्युत बिजली से संबंधित, और उक्त संबंध में उनका जिला न्यायाधीश के द्वारा विस्तार किया गया और कई केसों में न्यायाधीश के द्वारा राजीनामा भी करवाया गया। विदिशा से रंजीत सिंह की रिपोर्ट। नाम क्या है आपका? मैं के जी महेश्वरी एडवोकेट विदिशा। सर, आज नेशनल लोक अदालत का कार्य था, क्या क्या कार्य हुए इसमें? अदालत में जो है सुलह के लिए काफ़ी तरह के केस रखे गए, क्लेम केसेज हैं, चेक वाले हैं, सिविल हैं, और बड़े तादाद संख्या में लोगों ने उत्साह दिखाते हुए सुलह करने का प्रयास किया है और बहुत से केस सुलझे भी हैं। आज का जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय रहता है, जिसकी अपील नहीं होती और आपस में लोगों के मनमुटाव भी ख़त्म हो जाते हैं। तो लोक अदालत का जो प्रयास है वो अति उत्तम प्रयास है। न्यायालय में जो केसों की संख्या की जो बढ़ोतरी है वो भी कम होती है, जिससे महत्वपूर्ण केसों को सुलझाने का उनको समय मिलता है। सर, करीब कितने केस निपटते होंगे इसमें? अनुमानित संख्या हज़ारों से अधिक रहती है इनकी, तो कम खर्चे में ज़्यादा अच्छा न्याय और घर घर तक का पहुँचने का न्याय लोकाधिकार का प्रयास ही है। आज गांधी जी के जो सपने थे, उन सपनों में एक न्याय व्यवस्था सरल सुलभ हो, उसी की परिणति लोक अदालत। ठीक है सर, धन्यवाद। वर्ष 2021 की अंतिम लोक अदालत है, नेशनल लोक अदालत, और राष्ट्रीय विधिक से प्राधिकरण, राज्य विधिक से प्राधिकरण के मार्गदर्शन में ये आयोजित हो रही है, और इसमें करीब पूरे ज़िले में 28 खंडपीठ गठित की गई हैं, जिसमें 2000 से ज़्यादा नियमित प्रकरण हैं और 10000 से ज़्यादा प्री लिटिगेशन के हैं, और इसमें सिविल, दांडक, चेक बाउंस, विद्युत, वैवाहिक प्रकरण, सभी प्रकरणों का राजीनामे के आधार पर निराकरण किया जाएगा। शुभ नाम क्या है आपका? अतुल वर्मा। सर, आज नेशनल लोक अदालत लगी थी, इसमें किस किस कौन कौन से केस के निपटारे हुए थे? लगभग 2000 केस रखे गए हैं, जो रेगुलर ट्रायल हो रहे हैं वो लगभग 10000 से अधिक केस प्री लिटिगेशन के केस हैं। लगभग जिले में 28 लोक अदालत आज कार्य कर रही है। राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य है कि लोगों को त्वरित न्याय मिले, सुलभ और सस्ता न्याय मिले, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये लोक अदालत का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत अब पहले साल में एक बार लगती थी, लेकिन अब लगभग 3 माह में एक बार लगती है। जिला अभिभाषक संघ विदिशा के समस्त एडवोकेट्स इस लोक अदालत में पूर्णतः सहयोग कर रहे हैं, और खंडपीठ, हर खंडपीठ में जिला विवाद संघ के 2 सदस्य के रूप में हम मौजूद हैं। तो एक लोक अदालत का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि विवादों का निपटारा होता है, जो आपसी मतभेद हैं वो दूर होते हैं, और न्यायालय में आने जाने का जो समय रहता है वो भी आदमी का बचता है, और लंबे समय तक जब प्रकरण चलते हैं तो उनमें पैसा भी बहुत खर्च होता है। लोक अदालत के माध्यम से जल्दी मामले निपट जाते हैं, पैसा भी बचता है, ये अच्छी व्यवस्था है और ये लगातार जारी रहना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सर जी, कौन कौन से केस निपटते हैं इसमें? इसमें जो है क्लेम के केस हैं, विवाह के जो मामले रहते हैं और तलाक को छोड़कर वो भी हैं, और इसके अलावा जो है बैंकों के मामले हैं, इंश्योरेंस के मामले हैं, है ना, कई है ना, और जिन केसों में राजीनामा हो सकता है वो सभी मामले जो है आज लोग अलग रखे जाते हैं।